Welcome to my channel. Hello everyone. This video will provide information and guidance on how to create a AI-generated images from text or from your photos using websites or application. Hello guys, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ ट्रेंडिंग AI इमेज जनरेटर्स का यूज़ करके अपने सोशल लाइफ में इनके फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। इन सभी वेबसाइट और ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। सबसे पहले उन यूज़र्स के लिए जो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप का यूज़ करके इन फीचर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, नंबर वन AI आर्ट जनरेटर ऐप। इस ऐप का डायरेक्ट लिंक मैंने कमेंट में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा और ऐप का यूज़ करके आप अपने फ़ोटोज़ को AI जनरेटेड इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी टेक्स्ट को अपने हिसाब से किसी फ़ोटो के बारे में आप समरी देके उस फोटो को आप अपने हिसाब से इसमें कुछ टाइप करके या फिर अपने फ़ोटो का यूज़ करके AI जनरेटेड इमेज बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि थीम चूज़ करने के लिए और अपने हिसाब से कुछ टाइप करने के लिए। तो अगर आप कुछ कोई थीम चूज़ करना चाहते हैं तो थीम चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपने इमेज के बारे में इलस्ट्रेशन दे सकते हैं, यहाँ पे समरी लिख सकते हैं कि कैसा इमेज चाहिए आपको, किस टाइप का चाहिए, कैसा होना चाहिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आर्टिस्ट और स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से कौन से स्टाइल में चाहते हैं और कौन सा आर्टिस्ट अपने हिसाब से देख के यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन दिखा रहा है, जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने हिसाब से इस इमेज जो जनरेट होगा उसका साइज, थीम और कितने स्टेप में आपको जनरेट करना है, कैसा स्केल होना चाहिए उसका, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इमेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इमेज ऐड करके आप यहाँ पे उस इमेज को अपने हिसाब से AI में कन्वर्ट कर सकते हैं, AI इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दो तीन फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टेप्स, जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही इमेज आपका एक्यूरेट बनेगा और उतना ही टाइम लगेगा ज़्यादा ही, मोर देन 1 मिनट नहीं लगता, यहाँ पे 1 मिनट से कम समय में ही हो जाता है। यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, स्केल का मतलब ये हुआ कि जो आपने बताया है, जो इलस्ट्रेट किया है आपने इमेज के बारे में, जो समरी दिया आपने, उस हिसाब से आपका इमेज कितना एक्यूरेट बनना चाहिए, मतलब कि उतना ही परफेक्ट बनेगा जितना ज़्यादा स्केल होगा। ज़्यादा स्केल करने से क्या होगा कि इमेज थोड़ी सी ज़्यादा वियर्ड हो जाती है, लेकिन आप नॉर्मल स्केल अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो इमेज आपने इंपोर्ट किया है इसमें जनरेट करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसकी इमेज की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा ही इमेज आपका रियल लगेगा। अगर आप इमेज स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं तो जो आपने AI जनरेटेड इमेज है उसकी क्वालिटी भी ठीक ही रहती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट से जहाँ से आप AI जनरेटेड इमेज हाई क्वालिटी का यहाँ से बना सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पे आप डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके लिए तो ये वेबसाइट फ्री है, आप यहाँ पे ट्रायल वर्जन चल रहा है इसका, तो आप अभी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाद में इसका पेड वर्जन भी आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको इसका यूज़ करना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से आपको क्या करना है, जॉइन द बीटा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको जॉइन द बीटा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसके फ्री वर्जन में आप अपने आप चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास डिस्कॉर्ड का अकाउंट होना चाहिए। आप अपने मोबाइल पे भी इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आपको डिस्कॉर्ड का अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आपको उसी डिस्कॉर्ड पे इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप ऐसे मिड जर्नी की वेबसाइट पे ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ के इसके फीचर समझा देता हूँ। सबसे पहले जब इसको ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप कैसे इसके इमेज को जनरेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले
यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि न्यू बाइस के जो ऑप्शन है यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा स्लैश इमेजिन, उसके बाद आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो अपने आप इमेज जनरेट हो जाएगा। आपको याद रखना है स्लैश इमेजिन, ठीक है। यहाँ पे न्यू वाइब्स ऑप्शन है ना, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे 116, 146, 176, इसमें से किसी एक पे चले जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जो भी आपको इमेज जनरेट करना है उससे पहले आपको स्लैश इमेजिन लिख के अपने हिसाब से आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे आप कि आप किस तरह का इमेज चाहते हैं। इसमें सिंपल आपको इमेजिन टाइप करने के बाद स्लैश इमेजिन, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन दे देना है कौन से कैसे इमेज चाहिए आपको। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तब जाके आप इमेज जनरेट कर पाएंगे। हाँ, यहाँ से एक्सेप्ट टर्म ऑफ कंडीशन यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना इमेज जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे अपना चला गया जो भी हमने लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे येलो कलर का दिखा देगा कि जब आपका इमेज रेडी हो जाएगा ना तो यहाँ पे येलो कलर का दिखा देगा और यहाँ पे डॉट भी आ जाएगा यहाँ पे कि हाँ कि आपका इमेज रेडी हो गया है। लगभग एक मिनट के हिसाब से टाइम लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया अपना इमेज, येलो कलर का दिखा रहा है ना, ऐसे इमेज आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे चार इमेज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी चाहें जो भी चूज़ करना चाहते हैं उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इमेज की और भी टाइप मिले और तरह के इन्हीं इमेज का और भी वेरिएशन हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे V2 पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो ये वाला इमेज है इसके और भी वेरिएशन निकल के आएंगे आपके पास। ये चारों में से कोई एक सेलेक्ट करके आप V2 पे क्लिक किया मैंने, तो V2 का मतलब हो गया वेरिएशन ऑफ इमेज 2। इस सेकेंड इमेज के और भी वेरिएशन आ जाएंगे, आपको ऐसा ही फिर से आपको दिखा देगा कि हाँ आपका इमेज जनरेट हो चुका है। लेकिन अगर आप U1 पे क्लिक करते तो वो इमेज उसका जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा अपस्केल हो जाता, मतलब कि उसकी क्वालिटी और एनहेंस हो जाती और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेरिएशन उसका कैसे बनता है, यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद आपको नीचे दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ येलो कलर का आ गया। अब उसी जो इमेज सेकेंड वाला मैंने चूज़ किया था उसके और चार वेरिएशन आ गए। अगर आप चाहें किसी एक इमेज को अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर और भी वेरिएशन चाहिए तो आप वेरिएशन वाले नीचे वाले ऑप्शन पे वी वाले पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है कौन सा भी इमेज आपको डाउनलोड करना है, U1, U2, U3, U4, आप वो इमेज को अपस्केल कर सकते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा दूँगा आपको, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी के यहाँ से इमेज बनती हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी और भी कमी है कि अगर आप कोई टाइप करते हैं, लोगो बनाते हैं किसी टेक्स्ट को लिख के या फिर कोई और चीज़ आप टेक्स्ट लिखते हैं ना तो ये समझ नहीं पाता है। अभी ये अलग टाइप में अलग लैंग्वेज का ही टेक्स्ट आपको देखा बना के, अलग टाइप का लोगो अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्ड का लोगो बनाऊँ या फिर कुछ ऐसा करूँ जिसमें वर्ड्स का यूज़ हुआ हो, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं अगर चाहते हैं कि वही टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ दिखाई दे तो ये थोड़ा इसमें अलग सा फीचर है जो इसमें काम नहीं करता। बस आप यहाँ पे बढ़िया आप किसी भी इमेज का समरी दे के बढ़िया से इमेज जनरेट कर सकते हैं हाई क्वालिटी जैसा मर्जी आपको। और आप यहाँ से इमेज अगर आपको अपना इमेज अपलोड करना है अपने गैलरी से अपने फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं, आप उसको एनिमेट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसका और भी वर्जन बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको अपलोड करना है। अगर आपको कोई इमेज अपलोड करना है तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट दिखा दूँगा आपको कि कैसे उस वेबसाइट पे अपलोड करके आप यहाँ से अपना इमेज बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप किसी वेबसाइट पे इमेज अपलोड करके इसमें मेड जर्नी या फिर और भी कोई सा इमेज जनरेटर वेबसाइट पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है upload.cc, ये वेबसाइट सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे दो तीन वेबसाइट छोड़ के यहाँ पे आपको चाइनीज टाइप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज में कुछ है, इसी वेबसाइट पे जाना आपको और इससे नहीं करना, इसी वेबसाइट पे जाना आपको, वरना और किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो लिंक सपोर्ट नहीं करते हैं। साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना इमेज अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे
शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं आप अपना इमेज जनरेट करने के लिए। लेकिन सिंपली अब देखा जाए तो कुछ समय बाद ये वेबसाइट काम करना ही बंद कर देगी, क्योंकि अब ये सब्सक्रिप्शन मांगेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब ये वेबसाइट शो कर रही है कि अब इमेज अपलोड कर नहीं सकते, क्योंकि हाई डिमांड हो गया ना इस वेबसाइट का। अब बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से अब ये लोग सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। अब आप पैसे दे के अपलोड करके आप इमेज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ समय पहले ब्लेंड का ऑप्शन था, अब दो इमेज को मर्ज कर सकते थे। उसके साथ अब यहाँ पे और भी इसके अल्टरनेटिव वेबसाइट है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। लेकिन मिड जर्नी ज़्यादा ही बढ़िया था अब, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन जिनको लेना है वो इस वेबसाइट पे बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं। अगर उनको बहुत ज़रूरी है इसका काम करना तो आप इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेटिव अगर चाहिए फ्री में आपको यूज़ करना है तो आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेबसाइट को। इसके अल्टरनेटिव वेबसाइट हैं जैसे कि ब्लू विलो, इस नाम से वेबसाइट, और भी इसमें वेबसाइट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली उन वेबसाइट पे जाके इस आप अपना इमेज बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप ऐसे इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फीचर AI के द्वारा, लेकिन ये धीरे धीरे पेड हो जाएंगे। आपको इनके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप AI से अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। AI के यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि कैसे इमेज को मूवेबल बना सकते हैं आप। इंट्रो में देखा होगा आपने, उस टाइप का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।